जिथे एक MLA की इन्नी बुरी तरह के नाल कुटमार कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक हरकत के बदले पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपना अस्तीफा तक दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि CM कैप्टन अमरिंदर सिंह दे राज दे विच पंजाब दे अंदर अजिहियां शर्मनाक घटनावां वापर रही हैं अते उन्हां दे राज दे विच ही कानून नां दी पंजाब दे विच कोई चीज नहीं रही है। तो इसे दे ही मद्देनज़र हुण पंजाब दे CM कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपने अहुदे तों अस्तीफा दे देना चाहीदा है। पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करन च असफल रही है। अज पंजाब दे अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण नारंग ते जिहड़ा कातलाना हमला किया गया उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई, क्योंकि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के 4 साल की रजवाड़ा शाही की सरकार को हिसाब मंगन गया। कैप्टन साहब अस्तीफा देना चाहिए थानू, जड़िया मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा के अपने कुलीक अपने विधायक और ही रक्षा नहीं कर सकता, जड़ी पुलिस जड़े सुरक्षा एजेंसियां असफल ने उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। कैप्टन साहब क्या थोड़े को लोकतंत्र जो इंसाफ मंगना अपराध है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की 4 साल की वादा खिलाफी का हिसाब मंगना अपराध है? किसानी का बाना पा के यूथ कांग्रेस के लोग कांग्रेस के लोग जिस तरह अज उन्होंने हमला किया है, यह दुखद है। तुम पंजाब का माहौल खराब कर रहे हो। कैप्टन साहब तुहाड़े को पंजाब समेटिया नहीं जा रहा, ना महामारी च समेटिया जा रहा, ना लॉ एंड ऑर्डर च समेटिया जा रहा। ऐसे च कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं तुरंत रिजाइन करना चाहिए। अज की घटना लोकतंत्र की सब नों मदभागी घटना है, जिहदे अंदर सरकार कोलों उहदा विधायक प्रेस करन जा रहा है, उस विधायक पर हमला किया जाता, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती और एक कपड़े पाड़ दिते जाते। एक घटना नाल तुसीं भारतीय जनता पार्टी की आवाज रोक नहीं सकोगे। किसानां नाल तुसीं झूठ बोलिया, तुसीं किसानां नूं वलगराया, 3 बिल किसानां दे हक च ने, यह भी अज जिहड़ा झूठ, क्योंकि तुहाडी सरकार को दसना से कुछ नहीं। हिसाब मंगन विधायक जाता है तो मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे सकता। मैं समझना है भारतीय राजनीति दे विच लोकतंत्र दे विच सब नालों काला दिन। दस दे कि अज मलोट दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करन